Hello viewers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे कि मून जब बर्थ चार्ट के सेवेंथ हाउस में आता है तब क्या होता है. सेवेंथ हाउस जो है, सेवेंथ हाउस का संबंध हमारे रिलेशन से है. जो भी हम सोसाइटी में, जो भी हम अपना रिलेशन क्रिएट करते हैं, जो भी हम नेगोशिएशन करते हैं, जो भी हम डील करते हैं, जो भी हम पार्टनरशिप करते हैं, यानी सेवेंथ हाउस का संबंध समाज से, सोसाइटी से. तो जिन लोगों के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के, जो भी हम नेगोशिएट करते हैं और जो भी हम डील करते हैं लोगों के साथ, वो सेवेंथ हाउस है. सेवेंथ हाउस का संबंध आपके लाइफ पार्टनर से है और आपके बिजनेस पार्टनर से है. सेवेंथ हाउस का संबंध आपके ट्रेड से है. जो भी आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसका संबंध सेवेंथ हाउस से है. तो सेवेंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बर्थ चार्ट में. मून आपका कंफर्ट है, मून आपकी मदर है, मून आपका माइंड है, मून आपका सुख है. यानी जैसा आपका माइंड बोलता है वैसे ही आप चीजों को करना शुरू कर देते हो. लाइक जैसे आपका माइंड होता है कि चलो आज कहीं शॉपिंग मॉल में चलते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो आप वहां पर निकल पड़ते हो, तो वो आपका मून. आपका मन करता है चलो यार आज कहीं मूवी देखने चलते हैं, तो आप निकल पड़ते हो और मूवी देखना शुरू कर देते हो, तो वो आपका मून है. आपका मन करता है आज कहीं नहीं जाते, आज घर में रेस्ट करते हैं, तो वो आपका मून है. तो मून यानी आपका मूड और आपका मन. तो सेवेंथ हाउस में अगर मून होगा तो आप अपने रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी डील के लिए, अपने नेगोशिएशन के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल. जब भी आप किसी से डील करेंगे तो जो आपका इमोशन होगा वो उसमें शामिल होगा. यानी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे अपने लाइफ पार्टनर को लेके और अपने बिजनेस पार्टनर को लेके और आपकी डीलिंग को लेके. यानी लाइक जैसे आपने मान लो किसी से आपका नेगोशिएशन हुआ और आपने उसको बोला कि मैं आपको चार दिन बाद ये चीज़ें आपको दूंगा या हम लोग ये चीज़ें चार दिन बाद करेंगे, तो आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे अपने अंदर. और वो चीज़ अगर आपकी चार दिन के अंदर नहीं होती है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे. क्योंकि मून जो है वो हमारे मेंटल लेवल को कंट्रोल करता है. अब मून मान लो यहां पर अपने एग्जल्टेशन में है, तो मून सेवेंथ हाउस की चीजों को बनाने की कोशिश करेगा. यानी मून अगर अपने एग्जल्टेशन में, यानी मून अगर उचका है, तो जो सेवेंथ हाउस से संबंधित जो चीजें होती हैं वो चीजें आपको इजीली प्रोवाइड होंगी और उन चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा. मून अगर यहां पर डेब्लिटेशन में है तो सेवेंथ हाउस की चीजें ही डैमेज हो जाएंगी, यानी खराब हो जाएंगी. और सेवेंथ हाउस की चीजों को बनाने और बिगाड़ने के लिए मून जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा. यानी मून यानी आपकी मदर, आपका होमलैंड, आपका होमली कल्चर और आपका सुख. सेवेंथ हाउस की चीजें बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं. मून अगर सेवेंथ हाउस में है तो अगर हम मून को अगर एसेंडेंट बना देते हैं, यानी मून चार्ट जो होता है हमारा, जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं, तो मून को अगर हम एसेंडेंट बना देते हैं तो जो फर्स्ट हाउस है वो आपका सेवेंथ हाउस बन जाता है. तो फर्स्ट हाउस जो है उसका संबंध हमारी वाइटल फोर्स से है, हमारी वाइटल एनर्जी से है, हमारे परफॉर्मेंस से है. फर्स्ट हाउस जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है. मार्स यानी आपकी एनर्जी, आपकी वाइटल फोर्स. तो मून को जब हम फर्स्ट हाउस बनाते हैं तो जो आपका लगन जो है वो आपका सेवेंथ हाउस बन जाता है. यानी जो आपका फर्स्ट लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही एनर्जेटिक होगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा, एथलीट होगा, डांसर होगा. जहां भी बॉडी की वाइटल फोर्स यूज हो ऐसी चीजों को करने में उनका इंटरेस्ट होगा. यानी फर्स्ट हाउस से संबंधित चीज, यानी एरी से संबंधित चीजों को लेकर. दूसरा, अगर मून हमारे सेवेंथ हाउस में है, जो ट्वेल्थ हाउस है वो मून से सिक्स्थ अवे हो गया. यानी ट्वेल्थ हाउस हो गया हिडन बैड कंफर्ट्स.
ट्वेल्थ हाउस वो जगह है जहाँ हम किसी से छुप के काम करते हैं, जहाँ हम छुप के मिलते हैं, और ट्वेल्थ हाउस का संबंध हमारे बैड कम्फर्ट से है। तो ट्वेल्थ हाउस मून से यहाँ सिक्स्थ अवे है। तो अगर आपका किसी के साथ रिलेशन होता है और वो रिलेशन अगर सोसाइटी को नहीं पसंद है, नहीं पता है उस रिलेशन के बारे में, तो वो जो रिलेशन है वो आपके सेवन्थ हाउस को डैमेज कर सकता है। सेवन्थ हाउस यानी आपका ऑन रिलेशन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जो आपका रिलेशन है आपके छुपे हुए संबंधों के कारण, वो रिलेशन जो आपका ऑन रिलेशन है वो खराब हो सकता है, क्योंकि जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपके सेवन्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस बन गया, यानी सेवन्थ हाउस का एनिमी हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस की चीज़ों के कारण आपका जो सेवन्थ हाउस का जो कम्फर्ट है वो बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मून अगर आपके सेवन्थ हाउस में अगर आता है तब आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और किन किन चीज़ों का लॉस हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका मून आपके बर्थ चार्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मून को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।